ये तस्वीरें देखिए जिसमें पीएम मोदी के होर्डिंग्स पर कांग्रेसी कालिख पोत रहे हैं और मोदी मुर्दाबाद, कमलनाथ और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सब पुलिस के सामने हुआ है और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। ये घटना इंदौर के पास स्थित महू के एक पेट्रोल पंप की है, जहां कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये हरकत की। पीएम के पोस्टर पर कालिख पोतने की खबर जब बीजेपी नेताओं को मिली तो गुस्साए बीजेपी नेता कोतवाली थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और कालिख पोतने के आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। बीजेपी का कहना है कि ये हरकत कांग्रेस की हताशा को दर्शाती है। प्रधानमंत्री के फोटो पर कालिख पोतना ये कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है और जैसा कि कांग्रेस निरंतर करती आ रही है कि किसी भी प्रकार से इस देश और प्रदेश में वातावरण खराब हो, अराजकता की स्थिति निर्मित हो, ये कांग्रेस के हथकंडे हैं जो चुनाव के समय कांग्रेस निरंतर इनका प्रयोग हमेशा से करती रही है और इन्हीं हथकंडों के आधार पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने कई चुनाव जीते भी हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ जब उनके अनुकूल नहीं दिखी तो वो हताशा में इस प्रकार के घृणित कदम उठाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है और वीडियो में जिन लोगों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, आपको जानकारी होगी कि वो अपने अपने वार्ड में जमानत भी नहीं बचा पाए। इस प्रकार के लोग कांग्रेस की क्या दुर्गति करेंगे, ये तो कांग्रेस के नेताओं को सुनने। जो प्रधानमंत्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में मोदी जी हिंदुस्तान गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं और उनका ये अपमान, हमने इसके खिलाफ उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हम सब यहाँ लोग इकट्ठा हुए। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में कालिख पोतने की घटना के बाद जब बीजेपी नेता थाने पहुंचे, पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनंद फानन में महू एसएसपी नागेंद्र सिंह फोर्स के कालिख पोत रहे कांग्रेसियों को खदेड़ा, साथ ही तीन नामजद के साथ ही अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो बंद के लिए रैली के रूप में निकल रहे थे, उन्होंने वहाँ पे एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के पोस्टर पे कालिख पोतने का प्रयास किया था। उसी में तत्काल जो है मौके पे मौजूद पुलिस कर्मियों ने फिर उसको उतार के और उसको साफ भी किया पोस्टर को। इसके अलावा जो वीडियोग्राफी करी है तो उसके आधार पर हमने तीन लोगों पर जो है नामजद प्रकरण पंजीबद्ध भी किया है इस मामले में और उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र की जा रही है। साथ ही साथ जिन पुलिस कर्मियों की इसमें लापरवाही पाई जा रही, जो मौके में मौजूद थे उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वहाँ पे थी, पर वही है कि एक कॉमन सेंस की बात रहती है कि जब ऐसी कोई घटना रहती है तब आपका रिएक्शन क्या रहता है। उन लोगों ने वीडियोग्राफी भी करी है जिसके आधार पर, जो हमारे पुलिस के वीडियोग्राफी का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर हमने कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई भी इसमें की है, परंतु ये है कि और सजग रहते तो निश्चित तौर पर इस घटना को टाला जा सकता। आरोपी जो इसमें नामजद हैं FIR में, अंकित ढोली एवं पप्पू खान प्रमुख रूप से अभी नाम जो है निकल के आ रहे हैं। अन्य आरोपियों की फुटेज के आधार पे जो है कार्रवाई जारी है। भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस हरकत के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। वही सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम के पोस्टर पर कालिख पोत कर क्या तेल की कीमतें कम करा लेंगे। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।